नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बुधवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अहमद पटेल को राजनीति में कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। कांग्रेस के तालुका पंचायत अध्यक्ष के पद से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले अहमद पटेल 8वां सांसद चुने गए। इसमें 3 बार लोकसभा सांसद और 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1977 में लड़ा और जीता। इसके बाद उन्होंने सियासत में मुड़कर पीछे नहीं देखा। यही नहीं, अहमद पटेल ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। पटेल की राजनीतिक कैरियर की लकीर इंदिरा गांधी, राजीव और सोनिया गांधी से होते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौर तक रही। हाँ, इस बीच कई बार लकीर मजबूत हुई तो कभी कमजोर भी दिखी। बदलते हालातों के बीच अहमद पटेल ने गांधी परिवार का कभी साथ नहीं छोड़ा। उनके सबसे करीबी बनकर रहे, लेकिन कभी मंत्री भी नहीं बने। गांधी परिवार के साथ साथ उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक भी माना जाता था। अहमद पटेल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। कहा जाता है कि अहमद पटेल की वजह से सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में खुद को स्थापित कर पाई। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो राजनीति में बनी रही। सोनिया के सफर के पीछे अहमद पटेल का बड़ा हाथ माना जाता है। बता दें कि गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में 21 अगस्त 1949 को पैदा हुए अहमद पटेल के पिता मोहम्मद इकस जी पटेल कांग्रेस के नेता थे। अहमद पटेल ने अपने पिता की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी और कांग्रेस के पंचायत ताल्लुक के अध्यक्ष बने। हालांकि अहमद पटेल ने अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखा। 1976 में उन्होंने मेमूना अहमद से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें 1 बेटा और 1 बेटी है। आपातकाल के चलते 1977 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस औंधे मुंह गिरी थी, तब अहमद पटेल 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और तब के सबसे युवा सांसद बने। उनकी जीत ने इंदिरा गांधी समेत सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। हालांकि इसके बाद 1980 में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी के बाद इंदिरा गांधी पटेल को कैबिनेट में शामिल करना चाहती थी, लेकिन अहमद पटेल ने संगठन से अपना मोह जाहिर कर दिया। यही तस्वीर राजीव गांधी के समय में भी देखने को मिली। 1984 के चुनाव के बाद अहमद पटेल को फिर से मंत्री पद ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इस बार भी संगठन को ही चुना। अहमद पटेल ने अपने राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाई। वो 1977 से 1982 तक गुजरात की यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। सितंबर 1983 से दिसंबर 1984 तक वो कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी रहे। 1985 में जनवरी से सितंबर तक वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव रहे। अहमद पटेल जनवरी 1986 में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो वो अक्टूबर 1988 तक रहे। इसके अलावा 1996 में कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि साल 2000 में सोनिया गांधी के निजी सचिव बी जॉर्ज से उनके रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इसके बाद वो अगले ही साल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बन गए। अहमद पटेल को 10 जनपद का चाणक्य कहा जाता था। वो खुद को साइलेंट मोड पर रखते थे, लेकिन गांधी परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या रहता था। 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के रहते हुए अहमद पटेल की राजनीतिक ताकत सभी ने देखी है। संगठन ही नहीं, बल्कि सूबे से लेकर केंद्र तक में बनने वाली सरकार में कांग्रेस नेताओं का भविष्य भी अहमद पटेल ही तय करते थे। यूपीए सरकार में पार्टी की बैठकों में सोनिया जब भी ये कहती कि वो सोचकर बताएंगी, तो मान लिया जाता कि वो अहमद पटेल से सलाह लेकर फैसला करेंगी। यहाँ तक कि यूपीए बन और यूपीए 2 के ढेर सारे फैसले अहमद पटेल की सहमति के बाद लिए गए। कहा जाता कि कांग्रेस की कमान भले ही गांधी परिवार के हाथों में रही हो, लेकिन रिमोट अहमद पटेल के पास ही रहता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।